साथियों, मैं आपका साथी मित्र भाई ललित चौधरी। साथियों, खून में गर्मी है, दिल में जोश है, इरादे पक्के हैं, नियत नेक है। और साथियों, इरादे पक्के हैं, नेक हैं, जुझारू हैं, हक के लिए आवाज उठाते हैं और लड़ना जानते हैं और लड़ते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते। साथियों, आपने देखा होगा, हमने मजदूरों के हित के लिए अनेकों आंदोलन किए, डीटीसी डिपार्टमेंट को अंदर तक अच्छी तरीके से जानता हूं। डीटीसी डिपार्टमेंट में एक नए तरह का शोषण हो रहा था, जो किसी हिंदुस्तान में क्या किसी वर्ल्ड में नहीं हो रहा होगा, ऐसा शोषण। अपनी ड्यूटी पे आने के बाद वापस भेज देना, वो भी एब्सेंट लगा के, बिना किसी मेहनत आने के, ऐसा शोषण ना सुना होगा ना देखा होगा, केवल डीटीसी में हुआ। जिस शोषण को खत्म करने के लिए हमने सरकार से गुहार लगाई, हर एक तरह का वो आंदोलन जो मुमकिन था किया, अपने साहस के, अपनी टीम के, अपने कर्मचारियों के दम पर आंदोलन किए। लेकिन सरकार तानाशाह निकली, सरकार ने उन आवाजों को ही दबा दिया जो किसी के हक की बातें करते थे। तो साथियों, निराश हम तब भी नहीं हुए, इतना सब कुछ झेला, अपने और अपने बच्चों के और अपने दिल्ली वासियों के, अपने साथियों के, अपने मजदूरों के, अपने कर्मचारियों के, हर वो मजदूर जो शोषित है के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए, मैंने, मेरी टीम ने और दिल्ली के टर्मिनेट कर्मचारियों ने और कार्यरत कर्मचारियों ने, सब ने मिलकर एक नई आशा की किरण खोजनी चाहिए। उस किरण को खोजते हुए हम अपनी टीम को उस प्लेटफार्म पर ले आए जिसे कहते हैं राजनीतिक मंच। हमने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया। सरकारों को हम आंदोलनों के थ्रू, हड़तालों के, स्ट्राइक के तरीके से हिलाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हिली, क्योंकि वो तानाशाह है, मजदूर विरोधी है। तो हमने सरकार को सरकार की भाषा में जवाब देना, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे गई हुई कांग्रेस सरकार हो, या अन्य कोई भी सरकार हो जो मजदूर विरोधी हो, उसका जवाब देने के लिए हमने पार्टी बना दी है। यह पार्टी एक रूप है आने वाले आंदोलन का, मजदूरों की हित की आवाज है। इस आवाज को बुलंद करें और साथियों, मजदूरों की ताकत हर सरकार को दिखाएं, ताकि सरकार को पता लगे कि जिसका शोषण किया जाता है वो किस लेवल तक जा सकता है और कहां तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए आवाज बुलंद कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके साथ सहयोग की आवश्यकता है, मजदूरों की आवाज हर नेता के, हर राजनेता के, हर शोषणकारी के, हर सरकार के कान में गूंजेगी और त्राहिमाम 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 करेगी राजनीति, अगर मजदूर जाग गया और अपनी ताकत को पहचान गया। तो जागो दोस्तों, अभी समय है। इंकलाब जिंदाबाद।